उदयपुर में आदमखोर पैंथर और लेपड़ की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो आदमखोर लेपड़ और तेंदुए हैं लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। अब 24 घंटे में दो और लोगों को शिकार बनाया, यानी कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भी एक महिला जो घर के बाहर बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी, उस दौरान वहाँ पर दुबक कर बैठा हुआ तेंदुआ वहाँ पर पहुँचा और महिला को गले से जबड़कर पास के जंगलों में लेकर फरार हो गया। जब महिला चिल्लाई तो मौके पर लोग और परिवार के लोग थे, वह वहाँ पर जमा हुआ और चिल्लाने के बाद वह उन्हें छोड़कर फरार हो गया और महिला की मौत हो गई। एक दिन पहले भी यानी सोमवार को वहाँ के पास में ही करीब 1 किलोमीटर दूर जो राठौड़ों का गुड़ा है वहाँ पर एक पुजारी जिसे शिकार बनाया, यानी दो दिन में, क्योंकि एक दो गांव राठौड़ों का गुड़ा जहाँ पर कल एक पुजारी को शिकार बनाया, उसके बाद आज केलवा जो गोगुंदा का केलवा गांव है वहाँ पर जो महिला हैं उसे शिकार बनाया, उसके बाद अब क्षेत्र में भय का माहौल है। बड़ी संख्या में जो वन विभाग के अधिकारी हैं वह वहाँ पर जमा हो गए, साथ ही उदयपुर जोधपुर और जो राजसमंद के शूटर हैं वह भी वहाँ पर पहुँचे हैं। अगर ट्रैकुलाइज नहीं होता है तो फिर अगर जो सरकार के मंत्री हैं जो सरकार है अगर शूट एंड साइट के ऑर्डर देती है तो फिर उसे शूट एंड साइट किया जाएगा। लगातार आतंक, क्योंकि तेंदुए का आतंक इस तरह है कि 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और अब भी लोग खौफ में। उससे पहले जो जाड़ोली इलाका है वहाँ पर एक जो व्यक्ति था उसे मौत के घाट उतारा, उसका शिकार बनाया, जो लेपड़ था उसने उसका निवाला बनाया और अब या उस क्षेत्र में जाड़ोल में प्रवेश हुआ और जाड़ोल में करीब 19 सितंबर से जो आदमखोर तेंदुए हैं आदमखोर लेपड़ है उन्होंने लगातार एक एक करके 7 लोग हैं उनको शिकार बना लिया, यानी आज 12वां दिन है और 12वें दिन में 7 लोगों को शिकार बना लिया। 9 से अधिक हमले किए जिसमें से 7 लोग इसके शिकार हो गए और जो 4 लेपड़ थे वह भी पिंजरे में आए, लेकिन वन विभाग मान रहा था कि इनमें से आदमखोर कौन है, क्योंकि एक के दांत भी कटे हुए थे, एक के दांत भी टूटे हुए मिले थे। लेकिन अब जिस तरह से दो दिनों में लगातार दो और शिकार बना लिए, क्योंकि गोगुंदा ही क्षेत्र है जहां पर लगातार वन विभाग इलाका है, वन विभाग क्षेत्र है और वहां पर जो आदमखोर पैंथर है आदमखोर तेंदुए हैं जो लगातार लोगों को शिकार बनाते जा रहे हैं। जो टीमें हैं वन विभाग की वह वहां पर तैनात है, 12 से अधिक टीमें वन विभाग की वह गोगुंदा क्षेत्र में तैनात की गई है। साथ ही आर्मी के जो जवान हैं वह भी वहाँ पर लगे हुए हैं प्रशासन की मदद के लिए, ताकि जो आदमखोर लेपड़ है आदमखोर तेंदुआ है उस क्षेत्र में उसको वन विभाग की टीम पकड़ सके। उसके लिए उदयपुर जयपुर जोधपुर राजसमंद और भीलवाड़ा उस आसपास के जो क्षेत्र की वन विभाग की टीमें वो वहाँ पर लगी हुई है, साथ ही सेना लगी हुई है और उदयपुर जोधपुर और राजसमंद से जो शूटर हैं वह भी वहाँ पर बुलाए गए हैं, जिससे कि अगर पकड़ में नहीं आता है तो फिर उसे शूट एट साइट के ऑर्डर दिया जा सके। जो वन मंत्री है संजय शर्मा उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो लोगों को बचाने के लिए टीमें लगी हुई है, अलग अलग टीमें जो आदमखोर लेपड़ है उसको ढूंढने की कोशिश करी और अगर पकड़ में नहीं आता है तो फिर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाएंगे। बाकी ग्रामीण खौफ में है, जीना मुश्किल हो रहा है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जो बच्चे हैं जो उनका स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है और जनजीवन जो क्षेत्र जो लोगों का जनजीवन है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग इस तरह से खौफ में हैं कि घरों से बाहर निकलते ही कहीं लेपड़ उनको शिकार ना बना ले, कहीं उनको निवाला ना बना ले। इस कारण जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में बैठे हुए हैं और घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और वन विभाग की टीमें हैं, वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है वह वहाँ पर जुटे हुए हैं। ट्रैकुलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जो 4 लेपड़ है जो पहले पिंजरे में कैद हो चुके हैं, क्योंकि छाली मजावत जो क्षेत्र था वहाँ पर जो लेपड़ थे वह पिंजरे में आए, लेकिन उससे कुछ दूरी पर फिर से जो लेपड़ है उन्होंने हमला किया और दो लोग जो दो दिन में 24 घंटे में दो लोगों की मौत हो गई उन्हें शिकार बना लिया। देर रात को भी उस क्षेत्र से गुजर रात कुछ लोग थे जिन पर भी हमला करने की कोशिश की और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लेपड़ सड़क पर घूरता हुआ दिखाई दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।